हेलो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रही है कि जिसके अंदर आप जानेंगे कि मैं अपनी वीडियोस कैसे रिकॉर्ड करता हूं और साथ ही साथ मेरे स्टूडियो का मिनी टूर भी हो जाएगा। चले आए शुरू करते हैं। तो ये प्रोसेस शुरू होता है एक रिक्वेस्ट को देख के, कि जिसके बाद मैं वो सॉन्ग यूट्यूब पे सर्च करके सुनता हूँ और जब तक गाना हजम ना हो जाए तब तक मैं सुनता रहता हूँ। फिर आता है प्रैक्टिस मोड, कि जिसमें मैं कई दिनों के सुने हुए सॉन्ग को एक्शन में, मेरा मतलब प्रैक्टिस में लाता हूँ और मज़े ले लेकर प्रैक्टिस करता हूँ, कि जिसके अंदर मुझे कुछ घंटों से लेकर कई दिन लग जाते हैं। दो किलो आलू ला दो जी, अम्मी आया। फिर कई दिनों की कड़ी मेहनत के बाद मैं शूट डे प्लान करता हूँ। सो आज के दिन शूट है, कि जिसमें मैंने अपने इक्विपमेंट को सेट करना है। ये वो जगह जहाँ पे मैं आपके लिए वीडियोस बनाता हूँ। स्टार्टिंग की वीडियोस में मैं सनलाइट यूज़ किया करता था, जिस वजह से मैं सिर्फ 12 से 2 बजे तक जो है वो वीडियो शूट कर सकता था। मगर अब मैं गॉडॉक्स लाइट यूज़ करता हूँ तो मैं जब मर्जी वीडियो बना सकता हूँ, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ योर सपोर्ट। इसके बाद मैं अपने खूबसूरत से वर्क स्टेशन को ऑन करता हूँ और इसके स्टार्ट होने तक जो है मैं अपना वॉल्यूम सेट करूँगा। अब ये वॉल्यूम सेट करने के लिए सबसे पहले वॉल्यूम का वायर जो है वो उसमें प्लग किया। वॉल्यूम का बजा हुआ सिग्नल जाएगा पेडल बोर्ड में, जिसका काम है साउंड को बैलेंस करना, एम्पलीफाई करना, लाउड करना। और इसके बाद ये सारा सिग्नल जाएगा फोकसराइट के ऑडियो इंटरफेस में, कि जिसका काम है साउंड को बेहतर क्वालिटी में कंप्यूटर में फीड करना। और ये साथ माइक का इनपुट लगा हुआ है। अब करूँगा नाइकन का D5200 सेट और साथ ही कैनन का हैंडी कैम भी है। सेट करूँगा मैं इसका ISO, शटर स्पीड और अपर्चर। हैंडी कैम ऑटो मोड पे है तो इसे सेट करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों PC ऑन हो गया, इसमें अब रन करूँगा मैं लॉजिक प्रो X, जो कि प्रोफेशनल ग्रेड म्यूजिक सॉफ्टवेयर है, म्यूजिक प्रोडक्शन सॉफ्टवेयर है। और बनाऊंगा दो चैनल्स, एक होगा जो माइक रिकॉर्ड करेगा और दूसरा वॉल्यूम रिकॉर्ड करेगा। अब दोनों चैनल्स के गेन को सेट करना है, यानी कि जो वॉल्यूम है उन लेवल्स को सेट करना है, और हेडफोन पे आवाज़ चेक करनी है कि आ रही है कि नहीं आ रही, ऐसा ना हो कि मेरा सारा वीडियो शूट ज़ाया हो जाए। और मेरे शूट का एरिया आजकल लाइब्रेरी वाला है, तो मैं वहाँ पे अपना सारा शूट करूँगा। एंड वी आर रेडी टू शूट। अब क्विक रिहर्स करने के बाद मैं फाइनली रिकॉर्डिंग का बटन दबाने ही लगता हूँ, कि अचानक मेरी नज़र पड़ती है कीबोर्ड और माउस पे। फिर मैं उठता हूँ और अपना कीबोर्ड और माउस अपने पास लेकर आता हूँ, और अब शुरू होता है लेक्चर। हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है आप सब बहुत जबरदस्त हैं। लेक्चर रिकॉर्ड करने के बाद शुरू होती है ऑडियो प्रोसेसिंग, कि जिसके अंदर मैं वोकल और वॉल्यूम की आवाज़ को प्रोसेस करता हूँ, उन दोनों को बैलेंस करता हूँ। और इस प्रोसेस को बेसिक कहते हैं मिक्सिंग। ये भी एक अजीबोगरीब सा प्रोसेस है, कि जिसके बारे में मैं फिर कभी बताऊँगा। ऑडियो प्रोसेसिंग के बाद आ जाती है वीडियो एडिटिंग पार्ट। इन तमाम ऑडियो और वीडियो फाइल्स को डाला जाता है वीडियो एडिटिंग PC में। और वीडियो एडिटिंग के लिए जो मैं सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ वो है Adobe Premiere Pro या Adobe Premiere Pro, दोनों ही कह सकते हो। अब ये पूरे प्रोसेस में अगर इसमें डिटेल में बताऊँ तो ये वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, तो वो करनी नहीं है, तो मैं बस मोटा मोटा आपको बताता हूँ। पहले ऑडियो और वीडियो को सिंक किया जाता है, फिर इंट्रो से आउट्रो तक, यानी कि शुरू से एंड तक जो है वो इसे एडिट किया जाता है, कि कौन सी फाइल्स हैं, किस जगह पर आएंगी, कहाँ से कट करना है, कहाँ से पेस्ट करना है, वो सारे काम किए जाते हैं। फिर इसके बाद वॉल्यूम के नोट्स लिखे जाते हैं और उनकी प्लेसमेंट की जाती है अकॉर्डिंग टू माय प्लेइंग। अगर मैं बार बार प्ले कर रहा हूँ, आई जस्ट नीड टू राइट इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन, और उसके बाद कोई और चीज़ आ रही, फिर पुरानी आ रही है, फिर आई हैव टू राइट इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन, तो एक लंबा प्रोसेस है। फिर बैकग्राउंड म्यूज़िक जो है वो सिलेक्ट करके अकॉर्डिंग टू वीडियो जो है उसे एडजस्ट किया जाता है। फिर इसके बाद कलर ग्रेडिंग की जाती है। अब भाई लेंथ में तो मेरी वीडियोज़ जो हैं वो 8 से 10 मिनट की होती हैं, 5 मिनट की भी होती हैं, लेकिन इन्हें बनाने में मेरा पूरा दिन लग जाता है, और प्रैक्टिस ऐड कर लो तो 2-3 दिन और बढ़ा लो। और इस वीडियो को बनाने के लिए भी मेरी कई दिनों की एफर्ट, प्लानिंग और ये लंबा स्क्रिप्ट लिखा हुआ है। लंबा काम। सो दोस्तों, ये रही मेरी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपने ये वीडियो बहुत एंजॉय की, और अब तो भाई का चैनल सब्सक्राइब करना बनता है। अदनान, 1 किलो कद्दू ला दो जी, अम्मी आया।